वी विल डिस्कस अबाउट 30 अप्रैल करंट अफेयर्स। तो चलो शुरू करते हैं। इंटरनेशनल पहला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन हुई डेट? इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? ये कल ही हाल ही में कल ही गया। इसका आंसर है अप्रैल 29। अप्रैल 29 को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। ये कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट कब मनाया जाता है? अप्रैल 29 को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या है। शिवदास मीना बिकम्स न्यू CMD ऑफ हुईज कॉरपोरेशन लिमिटेड। शिवदास मीना हाल ही में एक नया अपॉइंटमेंट हुए है। शिवदास मीना कौन है? ये किस कॉरपोरेशन में? न्यू CMD का मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हुईज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये है हडको का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आप दोबारा पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। शिवदास मीना कौन है? शिवदास मीना हाल ही में 1989 के IAS ऑफिसर है। वो तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर है। ये हाल ही में न्यू CMD का मतलब, ये मैं शॉर्ट टर्म यूज़ किया हूँ, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हुडको, ठीक है, हडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। हडको का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एंड एस्टेब्लिश कब किया गया है? 1970 को, ठीक है, 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री अवार्ड विनर इरफान खान पास्ड अवे, ही वॉज एन डेथ। ये तो आपको पता होगा, कल ही एक न्यूज़ आया कि हमारा इरफान खान जी और नहीं रहे हमारे साथ। भगवान इनके आत्मा को शांति प्रदान करे, उनको और इनके फैमिली को अच्छे से रखे। ये हाल ही में पद्मश्री अवार्ड विनर थे। ये कौन थे सबको मालूम है, मैं बता देता हूँ फिर भी, एक्टर थे, ठीक है। ये एक वर्सेटाइल एक्टर थे। इनका मतलब इनका पोजीशन कोई भी नहीं ले सकता। ये बहुत बेहतरीन एक्टर थे, पद्मश्री अवार्ड विनर इरफान खान। कल ही इनका देहांत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, माइकल रिबॉन्सन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 61। ही वॉज एसोसिएटेड विथ हुईच ऑफ द फॉलोइंग गेम? माइकल रिबॉन्सन कल एक उनका भी निधन हो गया। वो एसोसिएटेड हुईच गेम, वो कौन सी गेम है? लिवरपूल स्ट्राइकर थे, ठीक है। वो माइकल रिबॉन्सन इज एसोसिएटेड विथ लिवरपूल स्ट्राइकर, ठीक है। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस दीपंकर दत्ता सोन एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच हाईकोर्ट? जस्टिस दीपंकर दत्ता सोन इन एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच हाईकोर्ट? कौन सी हाईकोर्ट में हाल ही में ये जस्टिस दीपंकर दत्ता ने चीफ जस्टिस हुए? ये है बॉम्बे हाईकोर्ट में। ये कल ही अपॉइंट हुए, ठीक है, 28 को अपॉइंट हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पोस्ट पे, ठीक है। ये पहले कौन थे? ही इज ए सीनियर जज ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट। जज थे कोलकाता हाई कोर्ट के, ये जज थे। अभी हाल ही में ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसड 50 लाख इंश्योरेंस कवर टू जर्नलिस्ट फॉर COVID-19? अभी हाल ही में आपको पता होगा देश में क्या हो रहा है। कोरोना के लगभग 10,000 टच, मतलब 31,000 टच कर चुका है, और हाल ही में 1,000 लोग की मौत हो चुकी है। इस दौरान बहुत सारे गवर्नमेंट, सेंट्रल हो या सारे स्टेट गवर्नमेंट, बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं। और ये 50 लाख का इंश्योरेंस कौन सा गवर्नमेंट किया है फॉर जर्नलिस्ट को लेकर? कौन सा गवर्नमेंट किया है? ये असम गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। असम गवर्नमेंट ने ये पहले से पुलिस के लिए और हेल्थ सेक्टर में जो है, चाहे वो नर्स हो या डॉक्टर हो, सबके लिए हो चुका है। अभी ये जर्नलिस्ट के भी हुआ है, क्योंकि आप फोटो में देख रहे होंगे, ये जर्नलिस्ट भी मास्क बेच रहे हैं। और हमें सारे मिलके ये COVID-19 को डिफीट करना है, हम सारे मिलके, ठीक है। तो
ये असम गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जर्नलिस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेस टू कोविड 19 टूल्स एसिलेटेड लॉन्च बाय हुच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप? नहीं, एसेस टू कोविड 19 टूल एसिलेटेड लॉन्च किया है, ये है G20 प्रेसिडेंट्स बाय सऊदी अरबिया। ठीक है, सऊदी अरबी के द्वारा ये किया गया है, एसेस टू कोविड 19 टूल्स एसिलेटेड लॉन्च बाय G20। G20 समिट, एक समिट है ना, G7 भी समिट है, G8 भी समिट है, ब्रिक्स भी समिट है, G20 भी। G20 में जितना जो 20 मेंबर्स ऑफ कंट्री है ना, वो सारे मिलके एसेस टू कोविड 19 टूल्स एसिलेटेड लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुई स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट जगन्ना विद्या दीवन स्कीम, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जगन्ना विद्या दीवन स्कीम लॉन्च किया है? आपको फोटो से ही तो पता चल रहा होगा और नाम से तो आधा पता चल रहा होगा, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश के सीएम OS जगन मोहन रेड्डी ने इसको लॉन्च की है, जगन्ना विद्या दीवन स्कीम। इस स्कीम के दौरान बहुत लोगों को कोरोना की वजह से फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। असम गवर्नमेंट ने जैसे जर्नलिस्ट को दिया है 50 लाख का इंश्योरेंस, और इसलिए इस टाइप का आंध्र प्रदेश में भी जगन विद्या दीवन स्कीम लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच स्टेट लॉन्च्ड कोविड फार्मा, ए मोबाइल एप्लीकेशन टू ट्रेस पीपल बॉइंग मेडिसिन फॉर फीवर एंड कोल्ड। अभी तो हाल ही में देश में कोरोना वायरस इतना फैल चुका है, इस दौरान हमें सतर्क होना चाहिए और जो भी बाहर से आ रहा है वो क्वारंटाइन में रहना चाहिए, और गवर्नमेंट को उसको मैं बाहर से आया हूँ ये बताना चाहिए। इस हाल ही में जो भी मेडिसिन खरीद रहा है, लुका छुपी जो भी मेडिसिन कर रहा है, चाहे वो फीवर के लिए हो या कोल्ड के लिए हो, अभी एक क्विक स्टेटमेंट, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कोविड फार्मा आप एक मोबाइल में आप रहेगा, जो भी बाहर से मेडिसिन चाहे वो फीवर की हो या कोल्ड की खरीदेगा, उसको पता चल जाएगा, मतलब ये आदमी ने इस दुकान से ख़रीदा है, और इसको फिर कोरोना डाउटफुली, अभी जिसको फेवर एंड कोल्ड हो रहा है तो कोरोना के सिम्टम्स जो है, इसलिए इसको डाउट करके ये किया है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड यूनिक इनिशिएटिव अम्बेरा आंगनवाड़ी टू हेल्प चिल्ड्रन ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान छोटे छोटे बच्चे को हेल्प करने के लिए कौन सा गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, उम्बारे आंगनबाड़ी। इस आंगनबाड़ी की मेंबर्स, आंगनबाड़ी कर्मियों ने डोर स्टेप सारे घर घर घूम के चिल्ड्रन को अमूल देते हैं, और खाने के लिए और पढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, इट्स ए गुड इनिशिएटिव फॉर दिस स्टेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, 11, व्हिच IIT इंस्टीट्यूट डेवलप मल्टी सरफेस सैनिटाइजर टू डिस इन्फेक्शन ऑफ डिवाइसेस इन कॉम्पैक्ट अगेंस्ट कोविड 19। कोरोना वायरस को, अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है उसको लेके कौन सा IIT ने मल्टी सरफेस सैनिटाइजर डिस इन्फेक्शन ऑफ डिवाइसेस, कोरोना वायरस चेक के लिए वो जो भी डिवाइस यूज हो रहा है उसको भी इन्फेक्टेड हो सकता है, इसलिए उसको सैनिटाइजर करने के लिए मल्टी सरफेस सैनिटाइजर बनाया गया है, वो कौन सा लिया? IIT भुवनेश्वर। IIT भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी है, और उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर है, जो कि IIT भुवनेश्वर ये इनिशिएटिव लिया है कि एक मल्टी सरफेस सैनिटाइजर बनाओ फॉर डिस इन्फेक्शन ऑफ डिवाइसेस दैट आर यूज फॉर कोविड 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच IIT इंस्टीट्यूट डिजाइन्स वार्ड बोट टू डिलीवर फूड मेडिसिन टू कोविड 19 पेशेंट्स। कोविड 19 पेशेंट के पास मेडिसिन एंड फूड पहुँचाने के लिए वार्ड बोट एक बनाया गया है, कौन सा IIT? रूपर। IIT रूपर ये पंजाब में है। ठीक है, IIT रूपर कहाँ है? पंजाब में। IIT रूपर डिजाइन्स ए वार्ड बोट टू डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू कोविड 19 पेशेंट। कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए डिलीवर फूड एंड मेडिसिन देने के लिए IIT रूपर ने एक इनिशिएटिव लिया है, वर्ड बुट। ठीक है, डिजाइन किया गया है एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच मेडिकल यूनिवर्सिटी बिकेम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया टू सक्सेसफुली लॉन्च कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी CPT थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर द कोविड 19। कौन सा मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो? किंग
गॉड्स मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी में जो है, ठीक है, दी किंग गॉड्स मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ यूपी में है। ये है जो प्लाज्मा थेरेपी फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो ये इनिशिएटिव लिया है कि प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीटमेंट कर रहा है COVID-19 को, ये कहाँ है, लखनऊ यूपी में, ठीक है। ये पहल ये एक बुजुर्ग को पहले टेस्ट किया गया है, देखते हैं अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो सारे देश में इसको यूज किया जाएगा प्लाज्मा थेरेपी को। ये किंग गॉड्स मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ यूपी में, ठीक है। तो ये था टुडेज मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर योर सपोर्ट आई विल गो एंड आई विल मेक यू बेस्ट एंड बेस्ट वीडियोज़ फॉर यू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।